नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 21 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों के बाजार में कहां घटबढ़ हुई है, कहां बाजार तेज हुआ है, कहां बाजार स्टेबल रहा है और प्लांटों की स्थिति क्या है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज सरसों के बाजार में अच्छी खबर नहीं है। सरसों का बाजार 100 रुपये तक कमज़ोर हुआ है। जयपुर में 75 रुपये की गिरावट आई है और आपका जो भरतपुर बाजार है उसके अंदर 50-51 रुपये की गिरावट हुई है। कुछ प्लांटों के अंदर 100 रुपये तक की गिरावट है और कुछ मंडियों के अंदर भी 100 रुपये तक की गिरावट है। चाहे चरखी दादरी दिल्ली की लाइन की बात हो, चाहे टोंक निवई लाइन की बात हो, इन मंडियों में, इन लाइनों पर 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोया और पाम तेल के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल करीब करीब 6% तक कमज़ोर हुआ है। इसी तरह पाम तेल का जो केएलसी वायदा है वो भी लगभग इतना ही टूटा है। इस कारण से घरेलू जो खाद्य तेलों का बाजार है उस पर आज भारी दबाव रहा और सारे लगभग सभी तेलों में गिरावट हुई, केवल मूंगफली तेल को छोड़ करके। तो सरसों तेल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन सरसों तेल में भी आज 2 रुपये प्रति किलो तक की थोक बाजार के अंदर गिरावट हुई है। जयपुर का जो एक्सपेलर भाव है वो आज 977 रुपये रह गया है, और 967 रुपये, सॉरी 67 रुपये 10 किलो का भाव रह गया है, और जो कोल्हू तेल का भाव है वो है 977 रुपये। तो तेल के अंदर ये जो बड़ी गिरावट दर्ज हुई है उसके कारण भी सरसों में गिरावट बढ़ी है। सरसों की जो खरीद करने वाले प्लांट हैं उन्होंने 100 रुपये तक, चाहे वो सलोनी प्लांट है, चाहे वो गोयल कोटा प्लांट है, चाहे वो और दूसरे प्लांट हैं, उन्होंने 100 रुपये तक का बाजार कमज़ोर किया है। लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से बाजार लगभग तेज या स्टेबल ऐसे चल रहा था। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड दिशा के अंदर बाजार कभी नहीं चलता होता है। बाजार में गिरावट और जो प्लस माइनस जो है वो होते रहना चाहिए, गिरावट बढ़त दोनों चलनी चाहिए तो धीरे धीरे, ताकि बाजार स्मूथ चलता रहे। ये जो गिरावट आई है 100 रुपये की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत जल्दी कवर हो सकती है। आपसे निवेदन किया था कि जो 5300 रुपये तक का बाजार सुधर गया है, अब 5300 के ऊपर स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद बढ़ने की तरफ जाएगा, तो 100-200 रुपये का बाजार अभी और बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। लेकिन उसके अंदर हमें हफ्ते से 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसी दौरान इसी गड़बड़ के साथ ही बाजार 200 रुपये तक आगे बढ़ने की गुंजाइश में है। नरमा कपास का बाजार अभी भी स्टेबल है, 7200-7300 के बीच कारोबार हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। बिनोला तेल में आज बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लगभग 3-4 रुपये प्रति किलो तक बाजार टूटा है। चाहे वो गुजरात की बात है, चाहे महाराष्ट्र की बात है, चाहे हरियाणा पंजाब की बात है, सभी बाजारों के अंदर 3-4 रुपये, कहीं कहीं 5 रुपये किलो तक की भी गिरावट दर्ज हुई है। तो ऐसा लगता है कि ये भी टेम्प्रेरी है, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में सुधार होगा इन सब बाजारों के अंदर सुधार देखने को मिल जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा 5000 रुपये, कल भाव था 5051 रुपये, हालांकि कल मंडी बंद थी, फिर भी बंद भाव जो आपको मैंने बताया था 5051 रुपये। जयपुर 5300 रुपये, सलोनी 5650 रुपये, 100 रुपये टूटा है। दिल्ली 4900 रुपये, चरखी दादरी 4850 रुपये, अलवर 5000 रुपये, खेरली मंडी 5050, खैरथल 5000 रुपये, बीकानेर 5100 रुपये, सुमेरपुर 4890, मेड़ता 4800 रुपये, नडबई 5000 रुपये, कोटा 4600 रुपये, मुरैना 4800 रुपये, ग्वालियर 4650, अलीगढ़ 4600, निवई मंडी 4200, टोंक 4880, गंगापुर 4950, आदमपुर 4869, सिरसा 4731, अबोहर 4820, संगरिया 4771, एलनाबाद 4711, शिवानी मंडी 4975, बरवाला 4860, हिसार 5000 और नोहर मंडी 4800। एलनाबाद में नरमा बिका है 7240, सिरसा में 7240 और आदमपुर में 7280 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।